दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि DRDO जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, DRDO उसमें जो निकली है बहाली, मैट्रिक पास पे इंटर पास पे जो बहाली निकली है उस बहाली के लिए आप उसमें कैसे आवेदन कर पाएंगे। सराजी हम आपको वीडियो इस वीडियो में कंप्लीट बताने का कोशिश की है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक का। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में कहीं पर दिक्कत ना आए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं DRDO में जो वैकेंसी निकली उसमें अप्लाई कैसे कर रहे हैं। DRDO जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। DRDO आप जानते भी होंगे DRDO क्या होता है। DRDO हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो DRDO जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संस्था है। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जी सर मॉनिटर को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों मैंने आपके लिए पहले से बहुत सारी वीडियो बना दिया हो, जैसे PUC सेंटर का पता कैसे निकालें, मोबाइल नंबर नाम वगैरह कैसे निकालें। और यहाँ पे एक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी नंबर विशेष पे ये बहाली लिया गया ले रहा है, ठीक है, ये देख लीजिए कि मैंने बना दिया है JNKTMCH गवर्नमेंट जॉब का आवेदन आप कर सकते हैं। और मैंने आपकी बहुत सारी काम की वीडियो यहाँ पे बना के दे दिया, आप तो आप देख लीजिए आपकी भी काम की बहुत सारी वीडियो बना दिया। तो चलिए वीडियो के मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे लेकर आता हूँ। यहाँ देखिए DRDO में 224 पदों पे निकली भर्ती, 10वीं और 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। तो चलिए तो दोस्तों यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं मतलब क्या क्या पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सब पोस्ट है, मतलब स्टेनोग्राफर Grade 2 यानी कि अंग्रेजी टाइपिंग, जिसकी पद 13 पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट का कोड दिया गया है, पोस्ट का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए और कौन सी पोस्ट में कितनी जगह है, कितनी सीट, ठीक है, और क्या क्वालिफिकेशन, उसके लिए नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए पद कोड है, पद का नाम है, उसके लिए क्या योग्यता यहाँ पे बताया गया है, योग्यता क्या है। जैसे ये पद कोड 0301, ठीक है, तो इसका जो क्वालिफिकेशन होगा यहाँ पे मांग रहा है 12वीं पास, ठीक है, ठीक है, ये 12वीं पास होना जरूरी, जिससे सभी तरह के यहाँ पे देख ले सकते हैं, स्टोरेशन ए अंग्रेजी टाइपिंग, इसमें ये 12वीं पास अंग्रेजी टाइपिंग यहाँ पे मांग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी हिंदी टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना होता है, ओनली 12 का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। तो इस वेबसाइट का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप खुद से अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपको तो मैंने बता दिया कैसे मतलब क्या क्वालिफिकेशन, क्या पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन हो, तो देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो इसकी मतलब उम्र है, उम्र आवेदक की उम्र 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, और वो 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। और इसका आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन होगा, जो कि 15 अक्टूबर 2019 तक अंतिम डेट रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे वेतन 7वें वेतन आयोग के पीरीमेट्रिक्स के अनुसार, यानी कि 7वें वेतन के अनुसार आपको यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। Level 2 को 19,900 से 63,200 के बीच में दिया जा सकता है, और वहीं Grade 2 को 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में दिया जा सकता है। ये निर्धारित नहीं कितना मिलेगा, लेकिन इसी के बीच में मिलने का अनुमान है। और यहाँ पे आवेदन शुल्क जो, अगर आप सामान्य या OBC कोटी से आते हैं तो यहाँ पे 100 रुपये आपको चार्ज देना होगा। SC ST से आते हैं तो आपको यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना होता है। और यहाँ पे समय का मैंने उम्र का बता दिया, 18 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र होना चाहिए। अगर आप आरक्षण वर्ग से आते हैं तो यहाँ पे आपको सीमा की छूट का भी प्रावधान है, ठीक है। तो अब चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको वेबसाइट पे लेके चले आया जो कि DRDO का ऑफिशियल वेबसाइट है, डिफेंस रिसर्च एंड डिप्लोमेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो यहाँ पे देख लीजिए आप पूरी तरह लिखा भी गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और यहाँ पे इसका लिंक में जो DRDO.gov.in है, तो इससे पूरी तरह साबित होता है कि ये गवर्नमेंट का है और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके द्वारा जो ये चलाया जा रहा है, ठीक है, DRDO, ठीक है, ये आप समझ गए। और यहाँ पे पूरी चीज़ आपको विस्तार से हम बता देते हैं। और यहाँ पे भी पूरी तरह बता दिया गया है कि इसका मतलब 21 सितंबर से शुरू हुआ था और 15 अक्टूबर को 17 बजे तक ये चलेगा ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का मतलब कैसे आप अप्लाई कर सकते हो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाता है ऑनलाइन अप्लीकेंट
फॉर एडमिन एप्लीकेंट कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस लिंक पे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू टैब खुल जाएगा, ठीक है। इस न्यू टैब का भी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो जैसे आप इस पे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, आप कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरी तरह लिखा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डिप्लोमेट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको अब क्या करना है, वो सबसे पहले आपको यहाँ पे नवीन पंजीकरण यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करना है, उसके बाद आपको कुछ डिटेल देने के बाद आपको प्रिंट करना है एप्लीकेशन, ठीक है। तो और यहाँ पे भी आपको कुछ डिटेल भी दिए गए, जैसे कब तक डेट है वो सारा चीज़, और कब तक आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, वो सारा चीज़। और किसी भी सहायता के लिए यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिए, मोबाइल सॉरी टेलीफोन नंबर भी दिया और ईमेल एड्रेस भी दिया है। लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बताने वाला हूँ, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना करना पड़े, ताकि आपको इसको कॉल करना पड़े। तो चलिए आपको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको आने के बाद सबसे पहले क्या करना है मैंने बता दिया, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे नवीन पंजीकरण न्यू रजिस्ट्रेशन आप देख पा रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे किस तरह आप रजिस्ट्रेशन करते हो वो सारा चीज़ यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों तरह बता दिया कि पूरी चीज़ आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपको नीचे आना है, यहाँ पे टिक मार्का लगाना है और यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको खुल जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो मैं यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ डिटेल ये, ठीक है, डिटेल भर दो। यहाँ पे कैंडिडेट नेम मांग रहा है, कैंडिडेट का नाम दे देंगे, जो भी होगा कैंडिडेट का नाम वो देना नाम देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कैंडिडेट का नाम जो भी है यहाँ पे मैं दे दिया, और सेम नाम आपको फिर से यहाँ पे री इंटर करना है, कैंडिडेट का नाम सेम देना है, ठीक है। सारा चीज़ यहाँ पे डबल डबल देना है। उसके नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सबसे पहले साल सेलेक्ट करेंगे, जो भी साल होगा डेट ऑफ बर्थ का ईयर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे दिन, ठीक है। तो उसी तरह फिर से यहाँ पे री एंटर मतलब फिर से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, दोनों कॉलम में आपको करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल मेल, ठीक है। एक एक चीज़ दो दो जगह पे आपको दे रहा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी आपको मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दे देना है, और यहाँ पे मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस जो भी ईमेल एड्रेस होगा वो ईमेल एड्रेस आपको देना। याद रखिए कि रजिस्ट्रेशन में जो चीज़ आप भर रहे हैं सारा चीज़ को डबल भरना है, डबल कॉलम है, ठीक है। एक भी आपको इंटर करना है, उसके बाद री इंटर भी करना है नेक्स्ट कॉलम में। तो देखिए मैंने इसमें ईमेल एड्रेस भर दिया, उसके बाद यहाँ पे री इंटर ईमेल एड्रेस कर रहा हूँ मैं, तो फिर से इस कॉलम में ईमेल एड्रेस को इंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दिए, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है आपकी जाति की, यहाँ बहुत सारे जाति हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं अनरिजर्वेशन में आता हूँ, UR में। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है ये सिलेक्टेड हो गया है तो ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है क्या आप EWS के अंतर्गत आते हैं, यस या नो करेंगे, मैं आता हूँ तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर है तो दे सकते, डेट ऑफ इशू है तो दे सकते, जरूरी नहीं है अगर है तो दे सकते, नहीं तो खाली भी आप छोड़ सकते इसे, ठीक है तो दे दीजिए अच्छा रहेगा। सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, और ये EWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाते हैं इसके बारे में वीडियो पहले से बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देख के वीडियो ऑनलाइन EWS सर्टिफिकेट बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप विकलांग वगैरह हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट है या पर्सन विथ डिसेबिलिटी है या विकलांग है, तो ये सेलेक्ट करेंगे, ये सब आपको यहाँ पे दे देना होगा। तो यहाँ भी इस सबको खाली छोड़ सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं इस सबको फिलअप करना। तो उसके बाद यहाँ पूछा है क्या आप, उसके बाद पूछा है क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो यस करेंगे। उसके बाद किस जाति से आप आते हैं, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक जाति से आते हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, अल्पसंख्यक कैटेगरी से आप आते हैं यस सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं आते तो नो सेलेक्ट कर, उसके बाद किस धर्म के आप है वो देंगे, यहाँ पे आपको सही भी धर्म मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप पूछ रहे हैं कि आप डोमेस्टिक जम्मू कश्मीर से हैं, तो यहाँ पे आप नो कर देंगे, ठीक है। आप जम्मू कश्मीर से यस करेंगे, अगर जम्मू कश्मीर से नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटोग्राफी यानी कि फोटो अपलोड करना है, जिसकी 20 KB से 35 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो फोटो और सिग्नेचर को भी आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर के भी 20 से 35 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद इस कैप्चर को यहाँ पे इसमें एंटर कर देंगे।
तो चलिए यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करिए, फोटो अपलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। सिग्नेचर का 20 KB और फोटो का भी, दोनों का 20 KB से 35 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर, कैप्चर को आप इंटर कर देंगे। उसके बाद आपके द्वारा दिया गया डिटेल, सारा डिटेल को आप जाँच लेंगे कि आपको द्वारा दिया गया सारा डिटेल सही है, ठीक है, ताकि अगर बाद में दिक्कत का सामना ना करना, इसलिए यहाँ पे पूरी तरह चेक कर लेंगे आपका डिटेल, कन्फर्म चेक कर लीजिए आपका डिटेल पूरी तरह सही है, तभी आप सबमिट कीजिएगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ मेरा डिटेल सही है। तो यहाँ पे देखिए कैप्चर दे दिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन में क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पूछा कि आपके द्वारा दिया गया सबसे सही है, क्या आप एलिजिबिलिटी है इसके लिए, तो ओके कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस और रजिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस, आपका यूजर नेम हो गया और पासवर्ड यहाँ पे आपको शो कर जाता है, ठीक है, और आपको ईमेल में पासवर्ड भेज दिया जाता है, स्पेन या जंग में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ पासवर्ड वगैरह। तो उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक जैसे करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है आपको। यहाँ पे देखिए पेस्ट नहीं होगा, मतलब जो भी कॉपी किए थे आप ईमेल एड्रेस, उसको आप यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ आपको पूरी तरह इंटर करना होता है। पासवर्ड को भी इंटर करना होगा और ईमेल एड्रेस को भी इंटर करना होगा, दोनों चीज़ को आप इंटर करना है, आप कॉपी करके पेस्ट इस पर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कैप्चर देने के बाद लॉग इन पे क्लिक करेंगे, इस तरह का एरर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हम फिर से ईमेल एड्रेस पासवर्ड देंगे। देखिए फिर से ईमेल एड्रेस पासवर्ड देने के बाद हम लॉगिन हो चुके हैं, यहाँ पे नाम है कैंडिडेट का, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद ये न्यू रजिस्ट्रेशन हो चुका, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक किए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन, 5 ऑप्शन फिलअप, यानी 5 स्टेप फॉलो करना है, पर्सनल डिटेल, पोस्ट, अपलोड डॉक्यूमेंट, रिव्यू और फी पेमेंट, ठीक है, 5 स्टेप आपको फॉलो करना है। और यहाँ पे कुछ आपको डिटेल ऑटोमेटिक भरे देंगे जो भी आपको रजिस्ट्रेशन टाइम में आपने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये सब आपके द्वारा भरा गया डिटेल सही है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पे दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा तो उसका नंबर देना, अगर ड्राइविंग लाइसेंस आप सेलेक्ट करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है फादर्स नेम, यहाँ पे फादर्स नेम आपको फुल नेम इसी एक ही बॉक्स में देना है, फादर्स नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है मदर्स नेम, तो यहाँ पे आपको मदर का नाम दे देना है, फुल नेम एक ही बॉक्स में यहाँ पे देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप दे सकते, छोड़ भी सकते, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है शारीरिक माप, यानी कि अपने आपकी क्या है, हाइट है और क्या आपकी मतलब वजन है, हाइट यहाँ पे दे देंगे और केजी यहाँ पे जितने भी होगा वो देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाइट जो भी है इस कैंडिडेट का वो हम यहाँ पे दे देते हैं। तो और यहाँ पे वजन, जो वजन भी हम आपको इस बॉक्स में इंटर करके दिखा देते हैं, ठीक है। और ये भरना जरूरी है क्योंकि स्टार लगा हुआ, ये माप भरना जरूरी है। उसके बाद हमें आइडेंटिफिकेशन मार्क कोई तिल वगैरह तो वह दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाइट वगैरह दे, यहाँ पे एक तिल वगैरह, जो भी तिल वगैरह होगा वो तिल की कहाँ पे तिल वगैरह वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस, ये दोनों एड्रेस आपको यहाँ पे दे देना है। अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक मार्का लगा देना ऊपर में, यहाँ पे देख सकते टिक मार्का लगा देंगे, दोनों एड्रेस सेम है तो दोनों एड्रेस आप भर लीजिएगा, परमानेंट एड्रेस और जहाँ रह रहे वहाँ का एड्रेस, दोनों एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना, ठीक है। स्टेट वगैरह, जिला वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, ये तो छोटी सी जानकारी आप फिलअप कर लेंगे। उसके बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में एंटर करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सारा चीज एंटर कर चुका हूँ, उसको सेव एंड कंटिन्यू भी क्लिक करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू भी क्लिक करने के बाद यहाँ पे पोस्ट के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में देख पा रहे हैं पोस्ट किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है। तो यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था वहाँ से आप चेक कर लेंगे इस वेबसाइट से आपको किस पोस्ट के क्या क्वालिफिकेशन मांग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरी चीज़ दिखाया गया है कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 12वीं पास पे है तो मैं ये वाला कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये 0502 कोड भी यहाँ पे कोड से भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ का कोड यहाँ कोड सेम है तो आप कोड भी देख लीजिएगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए 0502
ये वाला भी है, ये वाला नहीं करना है, और ये वाला कोड जो है 0502 इसमें आपको हमको अप्लाई करना है, ठीक है। इस कैंडिडेट इस स्टूडेंट को 0502 कोड वाला में इस पोस्ट पे अप्लाई करना है, ठीक है। ये वाला स्टूडेंट हिंदी, ठीक है। तो इसको जो अप्लाई करना है 0502 वाला कोड पे अप्लाई करना है, और यहाँ पे आएंगे 0502 वाला जो कोड वाला होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप 10th रेगुलर किए हैं, तो वो देखिए, और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लेगा और ड्यूरेशन भी नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ 12th का जो रोल नंबर होगा वो रोल नंबर देना है, उसके बाद जो बोर्ड का नाम होगा किस बोर्ड से किए हैं वो देंगे, जैसे BSC पटना से किए हैं। उसके बाद यहाँ पे किस साल आप पास किए हैं मैट्रिक वो आपको यहाँ पे दे देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है फुल मार्क कितना का था, मैट्रिक कितना का था वो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, और यहाँ पूछ रहा है कितना मार्क आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ परसेंट आपको दे देना है, ठीक है। तो परसेंट कैसे निकालते हैं वो अभी आपको मैं बता देते हैं। उसके लिए आपको कैलकुलेटर खोलना होगा, ओपन करना होगा। मैं देखिए कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। मान लीजिए आपको 393 मार्क आया, जितना भी मार्क आया उतना मार्क आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मुझे जिस कैंडिडेट को 393 मार्क आया, अब कितना का परीक्षा था, 500 का परीक्षा था, तो जीरो हटा देंगे, 5 से भगा दे देंगे। तो जीरो हटा के जितना फुल मार्क था उसमें जीरो हटा के 5 से भगा देंगे, जो भी निकलेगा वो इसका परसेंट होगा। उसी तरह 12th में भी यहाँ पे पूछ रहा है रेगुलर है तो वो देंगे, सब्जेक्ट में आप साइंस आर्ट जो है वो देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने साल का इंटर, 2 साल का होता है, 11-12। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर देंगे 12th का, उसके बाद किस बोर्ड से किए हैं वो देंगे, और पासिंग ईयर देंगे 12th का, कितना मार्क था फुल और कितना आया वो सारा चीज़ यहाँ पे देंगे, और उसी तरह यहाँ पे परसेंट निकाल के आपको दे देना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि इसके अलावा आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे BA वगैरह है तो आप दे सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ग्रेजुएट सेलेक्ट करने के बाद कोर्स सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट है या पासिंग है, या कंप्लीट होगी आपका ये कोर्स या पासिंग, तो ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये आप कोर्स कौन सा कोर्स करें, BA BSc BCom वो देंगे। उसके बाद आप कंप्लीट है मतलब कंप्लीट हो चुका वो देंगे, कंप्लीट नहीं हुआ तो नीचे वाला देंगे, ठीक है। उसके बाद कब कंप्लीट हो गया या कब कंप्लीट हो गया वो डेट यहाँ पे आपको कैलेंडर से सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे आप अदर क्वालिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं इस बटन। यहाँ पे पूछा एग्जाम सिटी को, आप एग्जाम सिटी को चेंज करें, कहाँ कहाँ आप एग्जाम सिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 एग्जाम सिटी को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि बिहार में पटना में है इसका सेंटर, तो मैं पटना ओपन कर लेता हूँ। देखिए पटना 33 में पटना को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पटना 33 में सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद दूसरा सेंटर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं दिल्ली NCR। उसके बाद थर्ड सेंटर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा कहाँ कहाँ एग्जाम आप रखना चाहते हैं। तो मैं थर्ड यहाँ पे लखनऊ कर लेता हूँ, मुंबई कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मुंबई सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर, इस कैप्चर बॉक्स को इस कैप्चर में आपको इंटर कर देना होगा, इस कैप्चर को इसमें इंटर करेंगे तो यहाँ पे 7 कंटिन्यू भी क्लिक करने के बाद इस तरह का एरर आ रहा है, ठीक है। तो इस एरर का सॉल्यूशन भी बता देते हैं, यहाँ पे ओके कर लेंगे। हेलो, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे फिर से आगे चले आए इस कैंडिडेट के बाद। तो इस कैंडिडेट, ये कैंडिडेट BA भी कर रहा है, उसका डिटेल हम भर देते हैं ताकि दिक्कत ना होगा। तो ये कैंडिडेट BA कर रहा है, उसका डिटेल भरने के बाद हम सबमिट किए तो सबमिट हो चुका। उसके बाद हम एज प्रूफ देना, एज प्रूफ में यहाँ पे आपको 10वीं का जो सर्टिफिकेट होगा मार्कशीट वो आपको दे देना है एज प्रूफ में, ठीक है। तो यहाँ पे दे दीजिए, दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ER मतलब आपको 12th का जो सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, ठीक है। और ये पोस्ट के लिए ये सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। अगर इसमें से जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे आपको ये अपलोड करना होगा, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। इस पोस्ट में अगर आप आ रहे हैं तो इसमें आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं देख लीजिए, मैंने सर्टिफिकेट दोनों अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ, देख लीजिए मैंने दोनों पे सर्टिफिकेट अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना हो,
कैंडिडेट भी क्लिक करने में जाए, पर्सनल डिटेल मतलब सारा डिटेल हमारे द्वारा जो भरा गया वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको इस डिटेल को चेक कर लेना है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे द्वारा भरा गया सारा डिटेल यहाँ पे आप मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको देखिए इस तरह का आ रहा है, इसको अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे यस या नो कर दीजिएगा, इसमें यस कर दीजिए अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सिक्योरिटी कोड जो कैप्चर है इस कोड को इस बॉक्स में इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करना फाइनली इन कंटिन्यू पर। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस कैंडिडेट का 100 रुपये फी है, तो यहाँ पे 100 रुपये पेमेंट करना होगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, पेमेंट डिटेल, ठीक है, और 100 रुपये यहाँ पे कर देना होगा जो कि पेमेंट नॉन रिफंडेबल होगा। उसके बाद कंटिन्यू टू कंटिन्यू फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए। उसके बाद कुछ इस तरह आपको सेंट ऑफ फेस दिखने को मिलेगा पेमेंट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ गए, पेटीएम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI से कर सकते हैं, जिसे करना चाहे आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक बार नेट बैंकिंग सेलेक्ट करके देखता हूँ उसमें कितना चार्ज एक्स्ट्रा करता है। तो नेट बैंकिंग यहाँ पे देखिए 100 रुपये तो इसका चार्ज हो गया, प्लस 18 रुपये 88 पैसे जो ये ट्रांजेक्शन फी हो गया। तो नहीं करेंगे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करते, डेबिट कार्ड पे करने पे 100 का 100 ही कटेगा, कोई ट्रांजेक्शन फी नहीं कटेगा। डेबिट कार्ड डिटेल देने के बाद पे शो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं डेबिट कार्ड डिटेल देने के बाद पे शो पे क्लिक कर दिया, तो इस तरह का सेंटरफेस हमारे पास आ गया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS OTP आ चुका है, तो उस OTP को हम इस बॉक्स में इंटर करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैं OTP इंटर कर चुका हूँ। यहाँ पे मैक और पेमेंट पे क्लिक करना, मैक पेमेंट पे क्लिक करना, OTP देने के बाद मैक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस करना, आपको ना अभी टैब क्लोज करना, कुछ नहीं करना, आपको 5 सेकंड तक वेट करना है इस पेज पे। तो वेट कर लीजिए, ना ही रिफ्रेश करना है ना ही बैक बटन करना है, तो आपका रुपया जो फंस सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी हमको मिल चुका। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा, तो हमारा अप्लाई हो चुका है। प्रिंट एप्लीकेशन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो देख लीजिए क्या इंटरफेस आता है। प्रिंट एप्लीकेशन में क्लिक करने में यहाँ पूरी डिटेल आपको आ जाता है, ठीक है। फाइनली सबमिट रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा चीज़ सिटी कौन कौन सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिला डाउनलोड रिसिप्ट, डाउनलोड एंड प्रिंट रिसिप्ट भी क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का आ गया, यहाँ पे पूरा डिटेल आपके द्वारा भरा गया, पूरा डिटेल यहाँ पे रिसिप्ट भी आपको आ गया, पेमेंट वगैरह सारा चीज़, ठीक है। तो इसको आपको प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है, तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ प्रिंट पे क्लिक में यहाँ सेव या प्रिंट कर सकते हैं, चलिए मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर लिया। और दोस्तों आपका आवेदन सक्सेसफुली हो चुका है, अगर एडमिट कार्ड वगैरह आएगा जब भी आएगा उसके बारे में वीडियो बना दूंगा अलग से। यहाँ से चेंज पासवर्ड भी आप कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड करने के लिए चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पुराना जो पासवर्ड मिला तो वो पासवर्ड देंगे, न्यू पासवर्ड देने के बाद अपडेट बटन भी क्लिक कर दें। दोस्तों उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। धन्यवाद।